इमीग्रेशन न्यूजीलैंड का स्टाफ पिछले एक साल तो अपने मैनेजर नूं लगातार आख रहा है कि अंडर फायर एक्रीडेटेड एम्पलॉय वर्क वीज़ा सिस्टम के वड्डियां खामियां हैं। इत्थे यह प्रवासी शोषण लिए एक रेसपी है, पर इस गल नूं अनसुनिया कर दिता गया। संबंधित INZ स्टाफ का कहना है कि इंपलॉयर नूं बिना किसी कागजी कार्रवाई या वित्तीय जांच के प्रवासियों नूं लियाउण की इजाजत दी जा रही है। भावें इमीग्रेशन अफसर नूं डर भी है कि नौकरियां जाली हो सकदियां हन, गैर कानूनी प्रीमियम नाल भुगतान किया जा सकता है, जां प्रवासियों का शोषण भी हो सकता है। इस दे बावजूद वह कहते हैं कि उन्होंने तेजी नाल प्रोसैसिंग समय से ध्यान केंद्रित करने कहा गया। सीनियर मैनेजर इस बारे ईमानदार नहीं हैं कि एक्रीडेटेड एम्पलॉय वर्क वीज़ा सिस्टम कितना खराब है। एक INZ स्टाफर ने कहा है कि पूरी तरह गलत है, असी जानते हाँ कि वाहियात है। तुहानू दस दईए कि पिछले साल इस वीज़ा प्रणाली नूं मई दे विच पेश किया गया सी, जिस नाल काम वीज़ा प्रणाली नूं सुचारू बनाउण अते तेज़ करन दे टीचे नाल विदेशी स्टाफ नूं भर्ती करन दे चाहवान इंपलॉयर नूं मानता लई अर्जियां देण लई सद्दा दित्ता गया सी। आलोचकां दा इह कहना है कि इस नाल प्रवासी शोषण दे विच वाधा होया है। प्रवासी उन्हां नौकरियां लई गैर कानूनी प्रीमियम दे विच $3,000 तक दा भुगतान कर रहे हन, जो इत्थे मौजूद ही नहीं हन। इमीग्रेशन मंत्री एंड्रियो लिटल के निर्देशों से इसकी तुरंत समीक्षा की जा रही है। न्यूज़ ऐप द्वारा रिपोर्ट किए गए मामलों तो प्रेरित 115 भारतीयों से बंगलादेशी प्रवासियों के 6 घरों के रेड की गई सी, जिन्हों इतने पहुंचने पर नौकरी नहीं मिली सी। MBIA के डिप्टी सैकटरी इमीग्रेशन एलिसन मैकडोनल की एक हदायत ने स्टाफ न स्कीम के तहत लगभग सारिया अर्जियों की जांच करने कहा है। स्टाफ ने 27,894 बिनाकर सिर्फ 2 मालिकों कहा है कि सिस्टम के तहत मानता तो इनकार कर दिता गया है। इस स्कीम तहत औसतन 96% वीज़ा मंजूर किए गए हैं। मैकडोनल के निर्देश ने इमीग्रेशन स्टाफ ने कहा है कि लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क वाली एप्लीकेशन से कोई तस्दीक काम ना कर, हाई रिस्क वाली अर्जियों से स्टाफ को तुरंत तस्दीक करने भी कहा गया है। समझा जाता है कि वह दस्तावेजा पढ़ते हैं, गूगल से खोज करते हैं, तकनीकी सलाहकार तो इजाजत प्राप्त करने तो बाद हर रोज़ जांचों लिए कदम रखते हैं। स्टाफ के बार बार कहने के बावजूद उन्होंने गल वल ध्यान ना देने का नतीजा यह निकलिया कि न्यूजीलैंड बहुत सारे प्रवासी लुट का शिकार हो गए। पिछले कुछ दिन पहला बहुत सारे प्रवासी कई दिन भुखे रहने लिए भी मजबूर हुए सन। इस लुट नाल हजारा प्रवासियों का भविख दाते लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट INZ पंजाबी न्यूज़।